वेलकम बैक टू माई चैनल क्रेजी फॉर फूड। आज मैं आपसे इडली की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में यह बन जाती है और घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो आइए अब हम बनाते हैं फ्राइड इडली। फ्राइड इडली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इडली को पीसेस में कट कर लिया है। इसमें अब मैं एक टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी। एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें 2 टीस्पून हम तेल डाल देते हैं। तेल को हम अच्छा गरम होने देते हैं। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, आधी चम्मच राई डाल देंगे। अब हम इसमें 7 से 8 पत्तियां नीम की डाल देते हैं और 8 से 10 मैंने हरी मिर्ची ली है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्ची को अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची थोड़ा कम डालें या स्किप कर दें। अब इसमें हम 1 पिंच नमक डालेंगे। इडली मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमारी फ्राइड इडली बन के तैयार है। कितनी झटपट बन गई है, कहा था ना मैंने बहुत जल्दी बन जाएगी मिनटों में। तो सुबह सुबह की जो हमें जल्दी रहती है नाश्ते की, तो उसमें आप ये ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से इंस्टेंट और नई नई रेसिपी के लिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।